21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को इंद्रिय उपमंडल स्तर पर मनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दिवस को सफल बनाने के लिए आज इंद्रिय के अनाज मंडी में योगा का पूर्वाभ्यास करवाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में योग साधकों व इंद्रिय उपमंडल के काफी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इंद्रिय प्रशासन, आयुष विभाग एवं पतंजलि योग समिति इंद्रिय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इंद्रिय SDM सुमित सिहाग ने कहा कि 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कल होने वाले कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री करणदेव कांबोज मुख्य अतिथि होंगे। योग के बल पर हमने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। कभी हम पश्चिमी देशों के पद चिन्हों पर चलते थे, लेकिन आज वही देश हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग अपनाना होगा। देख सकते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तो यहाँ पर इंद्री में विधानसभा क्षेत्र स्तरीय प्रोग्राम होगा। यहाँ पर मुख्य अतिथि होंगे माननीय मंत्री जी श्री करणदेव कंबोज जी। आज हमने यहाँ पर पायलट रिहर्सल ऑर्गेनाइज़ की थी। सभी को कल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो योग प्रोटोकॉल है वो सिखाया गया। काफ़ी बच्चों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने और मौजूद व्यक्तियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे से पतंजलि योगपीठ के शिक्षकों ने हमें योग प्रोटोकॉल करवाया है और उम्मीद है कि कल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होगी और हम बहुत अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। देखिए जी, योग का महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसा कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, खेल कूद करते हैं, इसी तरीके से योग का एक अहम रोल है। योग हमारे देश का, पूरे विश्व के लिए तोहफा है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले पश्चिमी देशों को फॉलो करते थे, लेकिन अब पश्चिमी देश जो हैं हमारी योग पद्धति को फॉलो करता है। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि हमें इतना बड़ा जो है, हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी बड़ी देन दी है, तो हम उसी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। और योग का स्वास्थ्य के लिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए बहुत बड़ा महत्व है।